उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष सतीश ढल ने 25 फरवरी को कलेक्ट्रेट पहुंच ओवैसी के प्रवक्ता वारिस पठान के दिए बयान के विरोध में एकत्रित होकर महासंघ के कार्यकर्ताओं सहित ओवैसी का पुतला फूंका था। उसके बाद विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष सतीश ढल ने उत्तेजित होकर ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान का नाम लेते हुए ललकारते हुए कहा था कि तू 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है, केवल मुरादाबाद के हिंदू ही 15 करोड़ मुसलमानों की गर्दन उड़ाकर कत्ल करने की हिम्मत रखते हैं। जिलाध्यक्ष इतने भर से ही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी और उनके छोटे भाई पर भी जमकर भड़ास निकाली थी। इसी भड़काऊ बयान को लेकर आज सिविल लाइन थाना में हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष सहित लगभग 21 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके इस तरह के बयान से माहौल को बिगड़ने की कोशिश की गई, जिससे संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद पुलिस ने हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी के अनुसार मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। सती जी, आज किसका पुतला फूका गया यहाँ? आज हमने ओवैसी का पुतला फूका है, क्योंकि इन्होंने जो सीए का लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर इनके प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को हर कीमत पर जान से मार देंगे, क्योंकि हम में इतनी ताकत है 15 करोड़ मुसलमानों में कि हम 100 करोड़ हिंदुओं को मारने में सक्षम हैं। उसको लेकर आज हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है। हम बता देना चाहते हैं ओवैसी को और पूरे हिंदुस्तान का और विश्व के मुसलमानों को, 57 मुस्लिम मुल्कों को भी, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो तुम 100 करोड़ हिंदुओं को मार के दिखाओ। मुरादाबाद के हिंदू ही 57 मुस्लिम मुल्कों को और 15 करोड़ मुसलमानों को कत्ल करके रख देंगे, इनकी गर्दनें काट के छोड़ देंगे। ये बता देना चाहते हैं हम ओवैसी को। ओवैसी सुन ले इस बात को कि मुरादाबाद का ही हिंदू समाज इतना ताकतवर है कि तेरे 100 करोड़ तेरे 15 करोड़ मुसलमानों को मारने में सक्षम है। जहाँ तक रही सीए की बात, सीए में एक भी शब्द मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए सीए जो है 1950 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में समझौता हुआ था कि हिंदुस्तान के 1 करोड़ मुसलमान और 1 करोड़ हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इन दोनों की सुरक्षा करने का दायित्व हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को है। हिंदुस्तान के मुसलमान तो 1 करोड़ से 20 करोड़ हो गए, पाकिस्तान के 1 करोड़ के हिंदू जो थे वो घट के 1,06,000 रह गए, बाकी 99 लाख हिंदू कहाँ गए? उसी को लेके वो जो हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं को उन्हें काटा है, उनकी निकाह करवा देते हैं, ये जबरदस्ती अपहरण कराकर उसके लिए जो हिंदू वहाँ से भाग रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए यह सीए कानून बना है। सर, ये जो वारिस पठान ने जो बयान दिया है ये किसी मंच से दिया है या सोशल मीडिया पे इस तरह का बयान दिया है? ये मंच से दिया है, मंच से दिया है। वहाँ पे ओवैसी भी खड़े हैं, ओवैसी के सामने इसने भाषण दिया है। तो ये ओवैसी का मंच था जहाँ से भाषण दिया गया? हाँ, ओवैसी खड़े हैं और उसी ओवैसी के मंच से एक लड़की ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और ओवैसी देख रहे हैं, बाद में ओवैसी आते हैं। उस चीज़ को ओवैसी ने साफ मना किया है कि ये हमारी पार्टी से नहीं है और ना इसका कोई हमसे कोई लेना देना है। किसी के मंच से कोई नहीं आ सकता, मेरे मंच से किसी की हिम्मत है कि कोई आके बोल देगा कुछ भी? ओवैसी खुद खड़े हैं, ओवैसी के मंच से इसका प्रवक्ता है ये वारिस पठान। इससे पहले भी इसके भाई ने कहा है बयान परिसर में जो सर ये धरना प्रदर्शन किया गया, सर फिर क्या कार्रवाई की गई? ये इसमें जो इसमें AIMIM के जो वारिस पठान हैं नेता, उनके जो उन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया था उसके खिलाफ ये हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी यहाँ मुरादाबाद परिसर में ज्ञापन जब देने गए थे तो उन्होंने यहाँ पे भड़काऊ भाषण दिया, तो उसको उनके अगेंस्ट और 21 अज्ञात में
हमने FIR दर्ज कर ली है संगत धाराओं में और उसकी अब विवेचना चल रही है। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई गिरफ्तारी भी होगी? नहीं, अभी तक कोई इसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी मुकदमा आज ही इसमें दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।